श्रृंखला मिश्रा रावत नोएडा से पूछते हैं हमारा मन हमेशा हमें साधना पट से भटकाने की कोशिश करता है इस मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि यह सुख दुख में सम रह सके पहली बात मन भटकाता है जहाँ ये बात सत्य है पूर्व की इच्छाएँ वासनाएँ विचार हमारे राग द्वेष वो सब निहित हैं इसी मन में पर वही बात यह भी सत्य है कि मन ही से हमें साधना में लगने की रुचि प्रेरणा शक्ति और संभल भी मिलता है इसलिए जब मन में वैराग्य होगा विचार होगा विवेक होगा तो सात्विकता बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी वैसे वैसे साधना अच्छी लगेगी तो संसार से मन हट के साधना में लगाने का एको एक उपाय है कि अपने तमोगुण और रजोगुण को हम नियंत्रण में रखें और सात्विकता को हम बढ़ाएं सेवा साधना दोनों का कॉम्बिनेशन चले आ, कुछ समय निकाल करके दूसरों को प्रसन्नता देने के लिए आ, किसी दैवी कार्य में जुड़कर अपने शरीर से श्रम करके किंचित कहीं धन खर्च कर सकते हैं ऐसी सामर्थ्य है तो धन के द्वारा सेवा करके तन के द्वारा सेवा करके और बार बार अपने मन में यह विचार लाने से कि यह मार्ग ही श्रेष्ठ है और अपने दुर्गुणों से बचते हुए और विवेक पूर्वक अपने अंदर सत्व गुणों को बढ़ाते हुए हम अगर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित यही मन जो आज भटका रहा है यही मन आपको साधना में लगा देगा सुख दुख में सम रहने की जहाँ तलक बात आती है ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने आप को अंतर उस निर्विकल्पता में ना ले जावे ये मन की ऐसी स्थिति हो जाए एक अनुभूति गहरी ध्यान की एक गहरी अनुभूति अपने अंतर आनंद की ये हो जाती है तो फिर धीरे धीरे बाहर के सुख भी छोटे हो जाते हैं दुख भी छोटे हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर फिर हम ध्यान देंगे ही क्यों अभी बाहर संसार को हम बहुत महत्व देते हैं इसलिए छोटे छोटे सुख बड़े लगते हैं और छोटे छोटे दुख बड़े लगते हैं तो हमारा मन दुखों से घबराता रहता है सुखों में लालच लगा के रखता है और यही हमारे अंदर एक अंतरद्वंद को उत्पन्न करता है तो श्रृंखला आपके लिए साधारण और सहज उत्तर ये है कि जितना अधिक होवे ध्यान में डुबकी लगाएं, जितना अधिक होवे थोड़ा एकांत का सेवन करें गिव योर सेल्फ द टेस्ट ऑफ़ Uh, inner beauty, inner nectar, and slowly the external pleasures and grief uh, will slowly seem to fade out.